फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 10 तारीख का दिन है, शाम का टाइम है। इलू को कोचिंग छोड़कर हम लोग आए थे, मैं आ गई थी वापस, और यहाँ पे कर रही हूँ सबसे पहले संडे की प्लानिंग। प्लानिंग के साथ आप चलो तो बहुत अच्छा रहता है और दिन भी अच्छा निकलता है। बिना प्लान किए कुछ करती हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या किया क्या नहीं, और जितने काम होते हैं वो हो भी नहीं पाते। तो यहाँ पर मैंने संडे की प्लानिंग कर ली है। संडे का मेन्यू है ब्रेकफास्ट में दही वड़ा, सूजी वड़ा या फिर चीला, इन तीनों में से कोई एक। मार्केट जाना है तो लंच में मे भी हो सकता है, बाहर भी। डिनर जो है दाल मखनी और तंदूरी रोटी हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्लीनिंग में मैंने रखा है, देखो नॉर्मल क्लीनिंग तो होती है, तो एक्स्ट्रा क्लीनिंग में कर्टन्स जो है वो काफ़ी गंदे हो गए, तो उन्हें उतरवा के साफ़ करना है, और छत को थोड़ा सा साफ़ करना है क्योंकि काई जम गई है। बाथरूम की सफाई रहती है एक बाथरूम की। शॉपिंग देखो अभी ये है, शॉपिंग और आउटिंग एक ही मान ली जाएगी क्योंकि इलू के एग्ज़ाम है, तो मुझे रक्षाबंधन की देखो शॉपिंग करनी है नेक्स्ट संडे, तो फिर आई जाएगी रक्षाबंधन 19 की है, तो राखी की शॉपिंग करनी है भाइयों के लिए, जो वो गिफ्ट पैक होता है नमकीन और मीठे का, वो शॉपिंग करनी है। अपने लिए सूट लेना है या फिर सिटी गए तो मोजड़ी, सोच रहे हैं सिटी जाए तो, क्योंकि राखी मैं वहीं से लेती हूँ तो मोजड़ी होगी। कोई लेस वेस मुझे दिखाई दे गई तो वो, कुछ स्टोन्स के मुझे दिख गए तो वो, ताकि आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ मैं कर पाऊँ। गिफ्ट्स लेने अगर इनको सिस्टर्स के लिए अपने लेने हुए तो मार्केट में ही कहीं देख लेंगे, और रील्स बनानी है, और साथ में मुझे थ्रेडिंग भी करवानी है जो कि मैंने लिखा नहीं है। अब इतना काम करना है तो क्या पता पार्लर जाना हो ना हो। तो ये देखो इस तरीके से ना मैं प्लानिंग करके रखती हूँ और अपना लिख लेती हूँ ना, तो पूरा अच्छे से गुजरता है। जिस संडे को मैं मेरी प्लानिंग नहीं रहे कि मैं ये बनाऊँगी, ऐसे ऐसे करूँगी, तो फिर देखो मुझे तो अच्छा लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और कल की थोड़ी सी प्लानिंग कर रहे। आज इलू ने बोल रखा है कि मम्मी थोड़ा सा बाहर खाएंगे, क्योंकि वड़ा पाव वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी, तो यहाँ पे मैंने दाल मखनी वाली दाल जो है वो ले ली है, और उड़द दाल धुली हुई वो ले ली है। इनको धो करके भिगोंगी और मूंग दाल जो है वो भी भिगो दूंगी। तो हो सका तो चीला, अगर की चीला बनाए तो इस मूंग दाल का बन जाएगा। दही वड़े मैं आज ही बना के रख दूंगी, दाल जो है भिगो दी और रात में उबाल के रख दूंगी, ताकि संडे थोड़ा सा स्मूथली ना गुजरे। अब यही सारी तैयारी मैं नेक्स्ट संडे के दिन करूँ तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचती है, क्योंकि मार्केट का भी रहता है, हस्बैंड घर में होते हैं तो इत्मीनान से हम लोग रहते हैं, भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी मैं नहीं चाहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने करेला जो है वो लेके आई हूँ, यहाँ पे दूध भी जो है वो उबाल लूँगी, और आधा किलो दूध का मैं दही भी जमा दूँगी, क्योंकि दही वड़े जो है वो हो जाएगा, काफ़ी दिनों से बनाए नहीं थे इसलिए। पहले तो मैंने सोचा था सांभर वड़ा और कुछ करने का, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैंने अपने लिए चढ़ा दी है चाय, तो बस यहाँ पे चाय होती रहेगी। करेले जो है वो छील लेते, तब तक मैं इलू भी आ जाएगी क्योंकि आज ज़्यादा क्लासेस उसकी थी नहीं, तो बस यहाँ पे छील के रख देती हूँ और चीरा लगा के रख दूँगी उन पे, तो बस फिर चाय पीऊँगी। इतने में इलू भी आ गई थी, तो इलू से भी पूछ लेंगे तुझे राखी पे क्या पहनना है क्या नहीं, तो देखते हैं जाना होगा नहीं होगा ये कह नहीं सकती अभी मैं, बट तैयारी तो करके रखनी होती है। और नहीं भी गए तो देखो राखी तो भेजनी होती, पिछले राखी पे भी मैं नहीं जा पाई थी इलू के एग्ज़ाम से, इस राखी में तो देखो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो देखो अभी पापा भी नहीं है तो वहाँ पे सुना रहता है, तो मैं चली जाती हूँ तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है, और भाभी भी बोल रही थी, भाभी भी आ रही है मेरी, तो वो भी कह रही थी आ जाओ, तो देखते हैं क्या रहता है। तो ये देखो चाय साथ साथ में पी रही हूँ, चूचू भी देखो हमारे पास ही बैठी रहती है, और जहाँ हम होते हैं ना वहीं, तो बस उससे पूछा मैंने कि इलू क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो भी है वहाँ देखेंगे, कुछ पसंद आ गया तो पहले मैंने सोचा था मीशो से मंगवा लेते हैं कुछ एक एक सूट। तो यहाँ पे आज का मेरा एक्स्ट्रा क्लीनिंग में ये था कि गेट मुझे साफ़ करने थे गीले सूखे कपड़े से, बस गेट जो है वो साफ़ करूँगी, क्योंकि देखो गेट वाइट है, वाइट ना भी हो तो उनमें ना लग जाता है कुछ ना कुछ, वो मैला मैल सा आ जाता है ना जहाँ पे हम लोग गेट खोलते हैं, और वहाँ पे सारे मैलापन हो जाता है, तो बस वही ना मैं साफ़ कर रही थी, इलू कुछ दिखा रही थी मुझे, तो पूरे आज गेट जो है गीले सूखे कपड़े से कर दूँगी। इनकी भी ना एक एक बार मैं हमेशा मैं बारी लगाती हूँ, 10-15 दिन या महीने भर में इनकी भी ना बारी लगा लेनी चाहिए। तो मैंने गेट जो है वो साफ़ किए, प्लस एक मुझे ये मल्टीपर्पज़ ये जो मॉड्यूलर ड्रॉर्स होती है ना वो मुझे साफ़ करनी थी, क्योंकि इनमें एक में मैं चार्जर वगैरह रखती हूँ, अपने सारे माइक वगैरह रखती हूँ, है ना, एक में मैं सारा मेडिसिंस रखती हूँ, तो वो सारा ये लोग ना ऐसे जैसे तैसे पता नहीं कैसे कर देते हैं, क्योंकि देखो एक हाथ तो लगता नहीं है, तो बेटी भी लगाती है तो हस्बैंड भी लगाते हैं, तो फिर ऐसे अफरा तफरी यहाँ पे भी मचा देते हैं। तो बस 15 दिन में घर के मतलब एक वो बना लेना चाहिए नियम कि इतने इतने दिन में हमें इनको भी चेक करना है, वरना इनमें भी ना भसड़ मची रहती है,
तो इसलिए फिर इनको भी मैं इनकी भी बारी लगा देती हूँ, इनकी भी टर्न आती है। अब वापस से ड्रेसिंग टेबल मैंने की थी, ड्रेसिंग टेबल भी अब थोड़ी सी ख़राब हो रही, तो उनको उसको भी मुझे करना है। बट आज मैंने गेट और इसको पकड़ा है, सुबह भी काम किए बट मैंने शूट नहीं किया था। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ कर दिया है, सारी मेडिसिन रख दी हैं, सारे चार्जर और जो माइक वगैरह वो एक में रहते हैं, एक में मैंने एक्स्ट्रा इलून ऐसे पेन हर चीज़ में डाल दिए थे, तो वो सारे पेन एक में कर दिए। कुछ इलू की स्टेशनरी के जैसे कि इसमें फेविकॉल और कर देंगे, तो बस ये सारा काम हो गया था। तो अब बस चार्ज करूँगी इलू। देखो कह दिया जाता है कि औरत घर पे करती क्या या क्या काम होते होंगे, एक छोटे से छोटा काम भी औरत को करना पड़ता है। कि स्मार्ट वॉच भी है या जो कुछ भी चार्ज करने का है, तो वो भी हस्बैंड के बच्चे के सब एक लेडी को ही चार्ज करना पड़ता है। तो बस ये सारा काम भी रहता है मुझे, तो ये भी बस मैं लगा रही थी, वरना मेरे हस्बैंड तो बिना चार्ज किए वो ही पहनते रहते। तो उनकी भी रात को मैं करूँगी, और बस ये यहाँ पर चार्ज पर लगा दिया। और अब जाएँगे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो पूजा करने गई तो मुझे लगा कि चलो बेडशीट भी आज ही चेंज कर देती हूँ, तो संडे को ज़्यादा काम ना करना पड़े। इलू के रूम की बेडशीट गंदी होती ही नहीं है, बट फिर भी देखो थोड़े थोड़े दिन में चेंज करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे गई थी पूजा करने, बट फिर एकदम से मुझे याद आया कि भैया इसकी बेडशीट भी पहले चेंज कर देते हैं, तो पहले इसकी बेडशीट जो है वो चेंज कर दी। ये वाली दोनों बेडशीट इस बार जो मैंने दिवाली पे मंगवाई थी, प्योर कॉटन तो नहीं लेकिन मुझे बहुत पसंद आई। ऐसी अगर डबल में मिलती हैं तो मैं लेना ज़रूर चाहूँगी, बहुत अच्छी है ये, मतलब देखने में इतनी सुंदर लगती है ना। तो बस यहाँ पे ये मैंने चेंज कर दिए, और इसके जो सॉफ्ट टॉयज हैं, इसका मोटा भाई है, इसका यूनिकॉर्न है, इसका जो डॉगी है, सब कुछ रख देती हूँ। इसकी ये जो मिनी माउस है, तो अभी भी इसको इन चीज़ों का शौक है। तो बस यहाँ पे अब पूजा करके और वापस नीचे जाऊँगी। खाना तो देखो आज का तो बनेगा नहीं, लेकिन कल की तैयारी जो है हो जाएगी, जो कि मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। जैसे आज अभी का खाना नहीं बनाना है तो एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, जैसे कि कल की तैयारी कर ली कि करेले की सब्ज़ी मुझे बना के रखनी है, ताकि 2-3 दिन वो चल जाती है। दही बड़े बना के रख लूँगी, फिर ये आएंगे तो बाहर खाना खाने जाएंगे, खाना नहीं ऐसे उटपटांग चीज़ें होती ना छोटी मोटी, वो तो यहाँ पे मैंने पेन ले लिया है, यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, इसमें मैंने पंचफोरन डाला है, पंचफोरन डालने के बाद हींग डाली है और हल्दी डाल दी। इसमें डाल देंगे करेले के छिलके, तो ये पका के फिर मैं उसके अंदर स्टफिंग इसी की करूँगी, साथ में बेसन भी डालूँगी। और ये डाल दिया नमक और मिर्ची, धनिया पाउडर सब डाल देंगे, इसमें अमचूर भी डाल देंगे, और चाहो तो अचार मसाला भी डाल सकते हो। अचार मसाला घर में बना हुआ तो वो नहीं, तो आपके पास कोई भी अचार रखा हो ना तो उसका मसाला भी डाल दोगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, अचार ही करेले जो है वो बन जाएंगे। बट मैंने नहीं डाला, मैं डालना भूल गई, डालने वाली थी बट कुछ क्या हुआ कि मैं डालना भूल गई। तो यहाँ पे मैंने बेसन भी डाल दिया है और इसको पका लिया है, भून लिया है, और वो ठंडा होगा तब तक में मैंने ये जो दाल है वो पीस ली। देखो भिगोई थी कुछ टाइम पहले ही, भिगोई थी, भीग गई थी, तो इसको पीस लूँगी अच्छे से और दही बड़े के लिए इसको कर लेंगे। तो ये आएंगे तब तक में ये काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं क्या है दही बड़े किशमिश और काजू डाल के बनाती हूँ, तो कुछ लोग दाल के साथ मिर्ची अदरक और ये सब भी डालते हैं, बट उससे ना वो वाले मुझे पसंद नहीं, हमें थोड़ा सा मिठास वाले पसंद है। तो यहाँ पे स्टफिंग करके करेले तो वापस से छोंक देते हैं तेल में, ये मैंने राई और सौंफ डाल दी और सारे करेले डालकर इनको पकने देंगे। हम लोग ना थोड़ा सा क्रिस्पी खाते हैं, तो ज़्यादा इनको मैं पकाती हूँ, यानी कि थोड़ा सा काले काले से हो जाते हैं ना, तो वो क्रिस्पी वाले, वरना कम भी आप पका सकते हो। तो देखो मेरे हस्बैंड को ऐसे वाले पसंद है, तो फिर मैं ऐसे बनाती हूँ। तो ये अब टिफ़िन में साइड वाली सब्ज़ी में जाते रहेंगे, कि एक सब्ज़ी बनी और बस साइड में एक करेला रख दे, तो 1-2 दिन ये चल जाते हैं। चाहे तो एक दाल बनाई तो बस ये करेले और ऐसे, और फिर कल अगर लंच में ओनली ये भी किया तो हो जाएगा। तो यहाँ पे दाल पिस गई थी, तो इसमें मैंने काजू और किशमिश डाली है, चुटकी भर मैंने मीठा सोडा डाल दिया ताकि ज़्यादा ना फेंटना पड़े और बहुत नरम बन जाते हैं इससे। तो बस इसको मिक्स कर दिया और इसके दही बड़े जो है वो बना लूँगी, तो नाश्ते में कल वो हो जाएगा, साथ ही कुछ हो सका तो और कुछ बना लेंगे, तो हैवी नाश्ता हो जाएगा। संडे होता ना, मेरी बेटी मेरे हस्बैंड दोनों ही फूडी हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ना वो लोग खाने की शौकीन और मैं बनाने की शौकीन तो फिर करते रहती हूँ। तो बस यहाँ पे दही बड़े जो है वो मैंने तल लिए, अब बस इनको ना ये ठंडे हो जाएंगे, पानी में करके रख दूँगी। दही भी मैंने जमा दिया, 1/2 किलो दूध का मैंने दही जमा दिया है, और ये बड़े भी हमारे तैयार हो गए। और बस जैसे ही ये बने थे तो ये आ गए थे, तो हम लोग निकल गए थे वड़ा पाव खाने के लिए। 2-3 दिन से वो सोची थी वो कोचिंग जाती, आज भी मुझे कोचिंग इसलिए लेके गई थी मम्मी चलो कोचिंग से पहले खाते हुए चलेंगे, बट तो फिर वो लेट हो गई, चूचू हमारे पीछे पड़ गई, तो फिर उसकी वजह से हम लेट हो गए तो हम नहीं खा पाए।
तो हम लोग आ गए हैं वड़ा पाव खाने के लिए, क्योंकि दो तीन दिन से इसकी भी इच्छा हो रही थी। कल परसों मेरी भी थी, कल या परसों, बट हम काफी लेट हो गए थे, तो फिर इसने बोला मम्मी आज खा लेते हैं। तो बस पालिका बाजार के सामने वाली जहाँ पे जूडियो भी बन रहा है, अब जूडियो तो इतने बन गए हैं जयपुर में पूछो मत, तो वहाँ पे हमने उस चौपाटी में ले लिया था वड़ा पाव, ये 25-25 के तीन हमने लिए थे। फिर हमने एक बर्गर लिया था, पाव भाजी बर्गर, जिसको कि मैंने और इन्होंने खाया था। एक पिज्ज़ा लिया था जो कि 60 रुपीज़ का था, है ना, और बर्गर 31 रुपये का होगा, पता नहीं 25 का था, और 40 रुपीज़ के मोमोज थे। तो 200 रुपये में हमने इतना कुछ खा लिया, इतना तो इसमें हमारा पेट भर गया था, तीनों ने हमने मिल बांट के खा लिया। तो देखो 200 रुपये में क्या क्या खा लिया चौपाटी में। तो बस घर आके मैंने ये जो दाल मखनी है वो नमक और हल्दी डाल के बॉयल कर दी थी, और फिर बस जैसे ये बॉयल हुई तो फ्रिज में रख दी थी, तो ये कल बन जाएगी, चाहे तो लंच में बने चाहे तो डिनर में बने, कुछ भी। तो इस तरीके से मैंने संडे की प्लानिंग जो है वो कर ली थी, और नेक्स्ट डे अब शॉपिंग भी करनी है थोड़ी सी रक्षाबंधन की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।